हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जय श्री श्याम, हर हर महादेव। और अभी हम लोग कर रहे हैं लंच, तो आइए आप भी हमारे साथ खाना खाइए। और लंच में आज है दही सैलेड और मसाले के चावल। तो कभी कभी हाथों से खाने का मन करता है ना, तो अभी आज मैं खा रही हूँ हाथों से। खानों को भी खिला रही हूँ और टिया को भी खिला रही हूँ। चलिए वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग, अभी स्टार्ट करते हैं आज की ब्लॉग। और कल की ब्लॉग आपको कैसी लगी गाइस? बहुत ज़्यादा फनी ब्लॉग थी, तो उस पर बहुत सारे एकदम भर के कमेंट लाइक कर दो और आगे तक शेयर कर दो, ताकि जो भी इंसान हैप्पी नहीं है तो वो इस ब्लॉग को देख के हैप्पी हो जाए और हंसते हंसते पागल हो जाए। एक बार देखिएगा ज़रूर, मेरे कहने से आपके पेट में दर्द हो जाएगा, आप रोड पर हो जाओगे हमारी कल की ब्लॉग को देख। चलिए और सो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हैं आप सभी। राधे राधे। और अभी मैं भी लंच कर रही हूँ। देखिए अभी हम लोग लंच के साथ और अब व्लॉग भी देख रहे हैं। और खाना कैसे लग रहा है? और अभी यहाँ पे सब लोग लंच कर रहे हैं। सो गाइस, ये हैं पुराने जमाने के बच्चे। अरे क्या कर रहा है? ये हमारे बच्चे नहा रहे हैं। अभी यहाँ की सारी धुलाई हो रही है। ये नंगा पुंगा कमरे की पूरी धुलाई की है गर्मी के वजह से। और अभी हमारे यहाँ आए हैं किराएदार, तो इनका सामान आया है बच्चे। गाइस अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ, आज लेट हो गया काफ़ी बच्चों के चक्कर में ना। और कल मैं निकल रही हूँ जयपुर के लिए। A few moments later. गाइस अभी मेरे लिए बैग लाया है न्यू टूरिस्ट बैग, तो ये मुझे मेरा सबसे छोटा भाई और नानी बच्चों की लेकर आए हैं बैग मेरे लिए। तो अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ और इसको कवर कर मारूंगी कपड़े का। गाइस गाइस मैं इसको खोल के दिखाओ। वो बनवाने आती स्क्रैच सफर गया बाबू। कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। एक ब्लैक कलर का और एक ही है, मैंने ये वाला चॉइस की। थोड़ा सा बड़ा भी है, मतलब ब्लैक कलर डार्क कलर था, बट बड़े के वजह से मैंने ये वाला चॉइस किया क्योंकि ये बड़ा है। कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है आपको। और इसमें बहुत सारा स्पेस भी है। चल रही है पैकिंग, तो ये वाला बैग भी मैंने पैक कर लिया है और ये बैग अभी पैक कर रही हूँ। अंदर भी एक बैग है वो वाला, वो भी पैक है, तो टोटल तीन बैग है मेरे अभी। तो पैकिंग चल रही है यहाँ। A few moments later. गाइस बच्चे अभी बाहर हैं और टाइम हो रहा है 11:30, तो आज मेरठ में लास्ट नाइट। देखिए पूरा रोड जो है एकदम शांत हुआ पड़ा है। कल मॉर्निंग में निकल रही हूँ जयपुर के लिए, तो अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता मन में। तो देखिए चारों तरफ कैसे हो रहा है एकदम शांत माहौल। A few moments later. तो अभी मैंने पैकिंग वगैरह सब कर ली है, डिनर भी कर लिया और बस अब सुबह निकलेंगे हम लोग। तो देखते हैं टाइमिंग तो वैसे बोला है कि 8:30 करीब जो है ट्रेन आ जाएगी, बट देखते हैं। ये बोल रहे हैं पीछे से ट्रेन जो है लेट चल रही है, तो मे भी हो सकता है सुबह टाइम थोड़ा इधर उधर हो जाए, चेंज हो जाए,
तो सुबह 6 बजे मुझे मैसेज करेंगे। बाकी ट्रेन कंफर्म है, हमारी सीट रिजर्व है और टाइमिंग जो है वो सुबह ही बताएंगे। और पैकिंग भी हो गई है, तो बस अभी बाहर आई हूँ थोड़ा सा टहलने के लिए, क्योंकि अब घर जाके वही बिजी शेड्यूल हो जाएगा। बच्चों के स्कूल भी जो हैं रीओपन हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएगा। और सोचा वैसे मैं यहाँ से 8 तारीख को निकलती, बट मैं थोड़ा जल्दी इसलिए निकल रही हूँ कि घर जाके मुझे जो है फिर काफ़ी दिन हो जाते हैं, घर बिल्कुल बेकार हो जाता है, इसलिए खेल रहे हैं बैडमिंटन। यहाँ भी देखिए हमने लगा रखा है प्लांट, और ये देखिए शादी के टाइम पर आपने देखा था ना हमारी बिल्डिंग कितनी सुंदर खूबसूरत लग रही थी, और अभी भी बहुत खूबसूरत लग रही है। देखो सिर्फ ऐसे करके कलर ही करा रखा है, जब लाइट वाइट डल जाती है, डेकोरेशन होती है, तो बिल्कुल एकदम पैलेस जैसा लगता है हमारा ये घर, हमारी बिल्डिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ महीने बाद ही फिर याद आने लगती है। मैं आज आपको एक बहुत ही ख़ास बात बताती हूँ। आप ये खटोला देख रहे हैं क्या? पहले जो लोग इस ऐसा खटोला यूज़ करते थे सोने में, तो ये खटोला हमारी दादी जी का खटोला था। हमारी दादी जी इसी पे ही सोती थी। पहले के जो बुजुर्ग होते थे वो बांध वाली चरपाई के खटोले पे इस पर ही सोते थे ना, तो इस पर हमारी दादी जी सोती थी। और अभी गर्मी है तो जैसे मम्मी हम लोग आ गए थे ऐसे, तो फिर मम्मी ने ये खटोला जो है वापस से करवा के, और मम्मी सोती है, पापा भी सोए थे हमारे इस पर खटोले में। बच्चे गैलरी में है, देखिए ऐसे करके ना ये पानी यहाँ पर 24 घंटे रहता है भरा हुआ। पानी की बहुत सुविधा है हमारे मेरठ में, बच्चे खूब खुले पानी भर के जितनी बार मन करे उतनी बार नहाओ, खूब काम करो। वैसे यहाँ पे टाइमिंग है पानी का भी, सुबह से कितने बजे से होता है? 6-7 बजे आता है पानी, 6 बजे आता है, 9 बजे चला जाता है, फिर दोपहर को आता है 1 बजे, 2-2.5 बजे चला जाता है, फिर शाम को आता है, फिर 9 बजे चला जाता है। और वैसे हमारे घर में मोटर लगी हुई है तो एनी टाइम पानी। देखिए मनी प्लांट हमारा कितना सुंदर लग रहा है ना, ये देखिए पूरा हरियाली नहीं, तो पानी एनी टाइम रहता है बिल्कुल खुला भरा हुआ। और जयपुर में तो आपको पता ही है टैंकर यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोगों के घर में, टैंक ही आता है उससे ही पानी भरते हैं, तो हिसाब से चलते हैं। लेकिन अपने यहाँ मेरठ में खूब बेहिसाब पानी, ये हमारे किराएदार का है ई रिक्शा, तो ऊपर हमारे किराएदार भी रहते हैं, आपको पता होगा अगर मेरी पहली ब्लॉग में आपने देखा होगा घर का। क्या भी नहीं आगे, जब मच्छर होते